हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज ऑफ आंवला और इंडियन गूजबेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फैमिली यू 4BAC, जिसके अंदर मोस्टली सकुलेंट प्लांट्स आते हैं। देन साइंटिफिक नेम एम्बलिका ऑफिसिनेलिस और फाइलेंथस एम्बलिका। ये विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी का रिच सोर्स है। इसलिए इसको काफ़ी सारी डिजीज़ के क्योर में यूज़ किया जाता है, जैसे कफ, जॉन्डिस, डायबिटीज़, फीवर, डायरिया वगैरह। इसका ओरिजिन इंडो चाइना रीजन है। ये सिंगल ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ड्राइड फॉर्म में भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई इसको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ऐसा माना जाता है ये हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है। ये हार्डी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, जो कि वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट भी है। देन इस क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, बट फिर भी ट्रॉपिकल कंडीशन में बढ़िया थ्राइव करता है, बढ़िया प्रोडक्शन देता है ये। टेम्परेचर रेंज 0 से 46 डिग्री सेल्सियस टॉलरेट कर सकता है ये। सोयल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लोमी सोयल इसके लिए बेस्ट है। देन प्रोपगेशन टी बेडिंग या फिर पैच बेडिंग कमर्शियल मेथड इस की प्रोपगेशन का। इसके अंदर क्या करते हैं, 1 ईयर ओल्ड रूट स्टॉक ले लेते हैं हम, ठीक है, और एक डिजायर्ड सायोन से बड ले लेंगे। उसके बाद रूट स्टॉक के अंदर टी शेप्ड कट लगाएंगे और उसके अंदर इस बड को प्लेस कर देंगे। रूट स्टॉक रेज करने के लिए हम क्या करेंगे, फुली राइपन फ्रूट से सीड निकालेंगे, उस सीड को कंसनट्रेटिव सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे 3 मिनट के लिए। उसके बाद उसकी वाटर वॉशिंग, देन उसको 50 PPM GA में सोक करके रख देंगे। देन प्लांटिंग टाइम मई एंड जून बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इसके अंदर 9 to 9 मीटर होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, देन मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग होता है इसके अंदर, जिसके अंदर नॉर्मली 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हेडिंग बैक कर दी जाती है प्लांट की। उसके बाद उसके अंदर साइड ब्रांचेज वगैरह निकलते हैं, उनको उसी हिसाब से प्रून करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट डिजीज और वीक प्लांट्स को और वीक ब्रांचेज को रिमूव किया जा सके। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो हम 2 डोज में अप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को, फर्स्ट अप्रैल एंड मई, दूसरा सितंबर अक्टूबर। बट अगर इरिगेशन अवेलेबल नहीं है तो रेनी सीजन में अप्लाई करते हैं। नाउ पेस्ट एंड डिजीज, इसके पेस्ट हैं एफिड, वाइट फ्लाई, बग, लीफ रोलर, बार्क बोरर, सूट गाल मेकर। ये सीरियस पेस्ट है, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कम हो जाता है अगर इसका इन्फेस्टेशन हो जाता है तो। इसके अंदर क्या होता है कि टर्मिनल पोर्शन सूट का स्वेल कर जाता है, और कुछ टाइम के बाद ये जो सूट गाल मेकर है ये एपिकल टिश्यूज़ को खाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ कम हो जाती है और ऑटोमेटिकली फ्रूट यील्डिंग पे असर पड़ता है उस चीज़ का। इसके कंट्रोल के लिए 0.1% मोनोक्रोटोफास का स्प्रे करा जाता है। देन इसकी डिजीज़ आंवला रस्ट एंड ब्लू मोल्ड। आंवला रस्ट के अंदर क्या होता है, लीव्स और फ्रूट के ऊपर ब्राउन पेप्सूल से हो जाते हैं, जो फिर बाद में प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। इसके कंट्रोल के लिए डाइथेन Z78 या फिर डाइथेन M45 का स्प्रे किया जाता है। देन ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड के अंदर क्या होता है, इनिशियली ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, वो बाद में ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर वाटर सॉक जो रीजन्स होते हैं ना, वो ब्लूइश कलर गेन करते हैं। इसके कंट्रोल के लिए बोरेक्स या फिर NaCl का स्प्रे किया जाता है। देन हार्वेस्टिंग, आंवला नॉर्मली हम देखते हैं नवंबर से अप्रैल के अंदर हम मार्केट में मिलता है हमें। इसके अंदर फ्लावरिंग नवंबर से दिसंबर होती है। जो ग्राफ्टेड और बडिड प्लांट हैं वो तो 5 से 6 साल लेते हैं फ्रूटिंग में, बाकी जो हम डायरेक्ट सीड से रेज करते हैं ना, वो 5, 8 से 10 साल भी ले सकते हैं। एक सिंगल प्लांट से 150 से 200 किलो फ्रूट पर ईयर लिए जा सकते हैं। देन इसके कल्टीवार चगैया, जो कि प्रोलिफिक बियरर है, बनारसी, कृष्णा, कंचन। कृष्णा बनारसी की चांस सीडलिंग वेराइटी है, कंचन चगैया की। देन फ्रांसिस BSR1,
मीडियम आइटरी है और स्प्रेडिंग नेचर है इसका। हाथी झूल भी एक इसकी वैरायटी है जो अपने इंडिया में काफ़ी फेमस है।